जितने सर्जरी बीती 33 साल हो सकी सर्विस है, मैंने बहुत सारी उसका जैसा चरण देखे हैं, उसे काम भी किया है, मगर इन जैसा मुझे साहब जैसा मुझे कहीं नहीं मिला। जो एक क्वालिटी होनी चाहिए एक उस्ताद में, वो इसमें है। मैं कल एक पैगाम दे रहा था, मुझे पता है कोई प्रश्न साहब रिटायर हो रहे थे, वो भी ये कह रहा था कि हर एक उस्ताद को ये लाजमी अपनाना चाहिए कि मेरे सामने जो पावर मेरे सामने बचे ये मेरे अपने बचे हों। इंशाल्लाह मैं भी वही कुछ कर रहा हूं, और बजे साहब भी ऐसे औसाफ के मालिक थे। और एक और आज की बात में बता रहा हूं कि ये इसकी अल्लाह की तरफ से एक कामयाबी मिली है। आज तक ये किसी को ये नहीं बता, मैं बता रहा हूं। इसके तीन बच्चे हैं, दो बच्चे दोनों डॉक्टर हैं, दो बच्चे डॉक्टर हैं, एक बेटी और एक बेटा और एक बेटी। मगर मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला के कारण है, क्योंकि ये चाहता है कि आप जैसे बच्चों को हमेशा अच्छी गाइडेंस मिले, रहनुमाई मिले। तो ये यही मेरे ख्याल, मैं यही समझता हूँ कि जब मैं ये ऐसे ख्याल हो तो रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे फिर करामात मिलते हैं, ऐसे इनामात मिलते हैं। तो ये मैं भी इन्हीं में से इसके इनामात मिले रब की तरफ से कि दोनों बच्चे इसके डॉक्टर हो गए। तो तीसरा बच्चा वो भी बड़ा अच्छा है, वो यहाँ पर जवान यहाँ पढ़ रहा था, इसके भी बड़े अच्छे फ्यूचर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी कोई अपने शहर शहर में प्रोडक्ट है कि जासूस न्यूज लख हकीकत वही है, बिल्कुल सही है कि हर कोई मामलस मज सोशल स्कूल डेवलपमेंट सोशल एजुकेशन काफी का सेटअप बेहतर अमी नबर की कह बशीर सब पेश पेश आम ब्या खूसियत ये महसूस कर कि जब मैं कभी टेम्पर लूज करा था, जब मैं कुछ साथ शरारत खसा, क्योंकि मैं थोड़ा टोकता हूँ अभी स्टाफ को भी, मैंने पहले कहा कि हम समझते हैं कि फैमिली है यहाँ पर, फैमिली को जिस तरह हमारे घर में भाई दादा दादी या जैसे माँ बाप मौजूद हैं अपने बच्चों को कभी कभी टोकते हैं, तो मुझे ऐसे ही अंदाज में मैं भी यहाँ पर किसी वक्त अपने को टोकता हूँ। मगर ये उसी वक्त एकदम आते थे, सर आप इसे देखिए, आप पानी लीजिए, फिर इस दूसरे चाय जूस गिलास है जो शायद हम उसी जगह का है। तो बहरहाल वो अभी ऑफिस में।